दोस्तों अगर आप टिप्स और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में। मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को किस तरह से अपने जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है या फिर आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है या किसी कारण से वो आपका मोबाइल डैमेज हो जाता है, आपका सिम टूट जाता है या फिर और भी अलग तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि आपकी सिम काम नहीं कर रही, तो आप अपने कॉन्टैक्ट को अपने जीमेल पे पहले ही सेंड कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपको अपने कॉन्टैक्ट पर चले जाना है। ये देखिए जैसे मैं अपने कॉन्टैक्ट पर जाता हूं और यहां पर आपको अपने कॉन्टैक्ट जो आपके फ़ोन में ऐड हैं वे आपके यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जितने कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में ऐड हो चुके हैं, आपने कर रखे, सेव कर रखे, अपनी सिम में कर रखे हैं या अपने आप मोबाइल में उनको सेव कर रखा है, तो आप उनको किस तरह से अपने जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पर लिखा दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने यहां पर शो होगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि मेरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट हैं मैं उनको अपने जीमेल पे सेंड करना चाहता हूं, तो आपको फर्स्ट नंबर पर लिखा दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज। इसका मतलब है दोस्तों आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट ऐड हो चुके हैं, आपने सिम में वो कॉन्टैक्ट को ऐड नहीं किया है, आपके मोबाइल में वो कॉन्टैक्ट हैं, तो आप उनको जीमेल पे किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा फर्स्ट नंबर के ऑप्शन के ऊपर। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। तो आपके मोबाइल में जितने भी आपने अपने जीमेल के अकाउंट बना रखे हैं वे सारे यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका जीमेल का अकाउंट है, जिस जीमेल के अकाउंट पे आप उनको सेंड करना चाहते हैं, तो आप उन पर उसको क्लिक कर लीजिए। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिल जाता है, नो वी कार्ड फाइल फाउंड इन स्टोरेज। ये कह रहा है कि दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आपने सारे कॉन्टैक्ट अपनी सिम में ऐड कर रखे हैं। तो मैं आप बेसिकली आपको बता देता हूं कि सिम को आप किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट पर डाल सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट को। तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा दोस्तों इंपोर्ट फ्रॉम सिम। अगर आपके फोन में दो सिम है तो आपको यहां पर दो सिम लिखा मिलेगा, फर्स्ट नंबर लिखा मिलेगा और सेकंड नंबर आपको लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसी सिम के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने जीमेल के जो आपने सेंड करना है जिस जीमेल पर, उस पर क्लिक कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों हमारे जितने कॉन्टैक्ट हैं हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि आप किस कॉन्टैक्ट को वहां पर सेंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप इनमें से अपने कॉन्टैक्ट को सेट भी कर सकते हैं कि भाई मुझे तो बस एक ही कॉन्टैक्ट को वहां पर सेव करना है अपने जीमेल अकाउंट पे, या आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट होते हैं दोस्तों आप उनको सेंड कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो आप अपने सारे कॉन्टैक्ट को वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से करोगे, ऊपर आपको थ्री डॉट नजर आ रहे होंगे, तो आपको बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सारे कॉन्टैक्ट यहां पर सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट होने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहां पर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट आपके जीमेल अकाउंट पर चले जाएंगे। ये देखिए बारी बारी से हमारे सारे कॉन्टैक्ट हमारे जीमेल पर चले जाएंगे। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा अपने जीमेल पर जाके, नहीं तो आप बोलोगे कि ये वीडियो आप हमें समझ में नहीं आ रही, या आप हमें कमेंट करते हो कि आपने अच्छी तरह से नहीं समझा है। तो देखिए दोस्तों हमारे सारे कॉन्टैक्ट हमारे जीमेल
अकाउंट पर चले गए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां से बैक चले जाना है और आपको यहां पर जीमेल के ऑप्शन पर चले जाना है। यहां पर जाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको थ्री डॉट नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कॉन्टैक्ट का, आपको इस कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों, मैं आपको प्ले स्टोर पर दिखा देता हूं। जैसे आप जीमेल पर जाओगे और आप कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देखिए मैं आपको इसका लाइव भी दिखा देता हूं। ये देखिए, आप जैसे यहां पर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर जाओगे, इस पर दबाते ही आपको एक ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा जो गूगल का ही ऐप्स है। मैं आपको अपना नेट खोलकर और उस ऐप्स का नाम भी आपको दिखा देता हूं। तो आपको यहां पर सर्च करना है कॉन्टैक्ट। और आपको इसको सर्च कर देना है दोस्तों। सर्च करने के बाद देखिए, आपको थर्ड नंबर पर उस ऐप्स का नाम आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको इसको प्रेस करना है और देखिए आपको इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये गूगल का ही ऐप्स है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आपके सारे कॉन्टैक्ट यहां पर जीमेल पर चले जाते हैं। देखिए मेरे 230 कॉन्टैक्ट थे जो मेरे सारे मेरे जीमेल पर चले गए हैं। ये देखिए, मैंने आपको इसका लाइव भी दिखा दिया कि आप उनको किस तरह से जीमेल पर सेंड कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।